फिर इसके बाद आप लोग खूब मेला घूमेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट, फिर इसके बाद आप खूब मेला घूमिए। आज हमारे बीच में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरुमाय मोनिका बट्टी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रभानसा उइके जी, बैतूल से डॉक्टर राजा ध्रुवे जी, हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य महेश इनवाती जी, जनपद सदस्य श्री राम ध्रुवे जी, बैजयंती पदराम जी जनपद सदस्य, सोहन मर्स कोले जी सरपंच, संजय उइके जी ब्लॉक अध्यक्ष, चंद्रमोहन कुमरे जी परासिया से चलकर हमारे बीच पहुंचे हैं, संतोष काकुड़िया जी जिला उपाध्यक्ष जो अभी संचालन कर रहे थे, अंतांशा कवरेती जी जो पूर्व जनपद सदस्य है, यहाँ मुझसे पूर्व भी काफी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात सामाजिक स्तर पर रखी, राजनीतिक चर्चा भी हुई, चूंकि ये जो कार्यक्रम है हमारा ये साल भर में इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बूस्टर डोज का काम करता है। आप लोग साल भर अपना अपना काम करते हो, सब लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, कोई काम धंधे में लगे हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज के बीच में जाकर बैठते हैं और जो जो परिस्थिति हमारे समाज के खिलाफ उत्पन्न होती है, कैसे कैसे हम समाज को सुधार सकते हैं, ढेर सारी चीजें इस मंच के माध्यम से होती है। इसकी स्थापना हमारे बड़ादेव की स्थापना आज से लगभग 20 साल पहले हुई। आज हमारे बीच में बैतूल से डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, ऐसे डॉक्टर साहब समाज के लिए 20 सालों में ढेर भर ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं और समाज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, साहित्यों का अध्ययन करते हैं, कई सारी चीजों का उनको ज्ञान होने के बाद जब यहाँ पर आते हैं तो समाज के बीच में अपनी बात रखते हैं। मैं समझता हूँ आप अगर 20 सालों में यहाँ ढेर सारे वक्ता आए और इस गोंडवाना में बट्टी जी से बेहतर, बट्टी जी से अच्छा जानने वाला, बट्टी जी से अच्छा समझाने वाला न इस दुनिया में पहले पैदा हुआ, न इसके बाद कभी पैदा होगा। मैं नहीं समझता उससे अच्छा कोई वक्ता इस समाज में पैदा हुआ होगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति इस मंच पर आए हुए, ऐसे लोगों ने भी मंच से समाज को सुधारने का काम किया, बीड़ा उठाया और संघर्ष करते करते आज हमारे बीच से दुनिया से चले गए, लिंगोवास हो गए। आज हमारे डॉक्टर साहब ने बैतूल से आए हमारे बीच में, उन्होंने शिक्षा की बात की, वो शिक्षा के लिए जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी है लेकिन उस शिक्षा को दिलाने के लिए शिक्षक की जरूरत है। आज आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक कहां बताइए आप, स्कूल तो है लेकिन मास्टर नहीं है। हम शिक्षा प्राप्त तो स्कूल है, एक एक मास्टर होंगे, कई ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षक ही नहीं है तो आपका बच्चा पढ़ेगा कैसे। प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, आप अगर बिजोरी अपने बच्चों को भेजते हो तो कम से कम साल के 25,000 रुपए फीस लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही। एक गरीब आदमी, काम करने वाला मजदूर आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो अगर शिक्षा को शिक्षित बनकर अगर गोंडवाना का आंदोलन चलाने वाले लोग हुए, दादा हीरा सिंह मरकाम को आप जानते हो, गोल्ड मेडलिस्ट थे, LLB में गोल्ड मेडलिस्ट थे, बट्टी जी ने बहुत बड़ी अधिकारी की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में लगे थे। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम लोग भी नौकरी छोड़ के समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, उसके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं होगा, वो व्यक्ति समाज के प्रति समझेगा नहीं, वो संविधान की भाषा को नहीं समझेगा, वो दूसरों के शोषण और जो अन्याय अत्याचार कर रहा है उसकी बेहतरों को नहीं समझेगा। आज सरकार ने समझ ली कि ये पढ़े लिखे लोग अगर 2003 में पूरे मध्य प्रदेश में 3 विधायक जिताते हैं और सरकार को उल्टा पलटाते हैं तो इसका मतलब ये शिक्षा का असर है। इन आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक ही मत भेजो, मास्टर नहीं है हमारे क्षेत्रों में, मास्टर ही नहीं है कामिया क्षेत्र में, दादा का शिक्षित नहीं होंगे तो हक अधिकार क्या जानेंगे। ढेर सारी योजनाएं हमारे लिए चालू है, आज आपको मालूम होगा आदिवासियों के हजारों एकड़ जमीन उमर वहां में आदिवासियों ने अपने पास कब्जा करके रखे। तामिया में थाने के सामने एक सिद्धि की बाई की जमीन गैर आदिवासियों ने कब्जा करके मकाने बना लिए, ढेर सारी जमीन में दूसरे आदिवासियों ने कब्जा कर लिया। आपको शायद मालूम नहीं होगा 1959 में कानून बना, उस कानून का नाम है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। अगर कोई आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी कब्जा करता है, वसीयत लिखवाता है, दान पत्र लिखवाता है,
करता है या कब्जा भी करता है तो ऐसे व्यक्ति को 170 खा के तहत जेल भेजना पड़ेगा। पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। क्या ऐसा हो रहा है क्या? आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश भर में घूम घूम के प्रदेश में कह रहा है कि आदिवासियों के लिए मैं पेशा कानून लागू कर रहा हूँ, आदिवासियों के लिए मैं पेशा कानून लागू कर दिया। आपको मालूम है पेशा कानून क्या है? जिनके लिए कानून बन रहा है उनको पता ही नहीं है कि पेशा कानून है क्या। जिनके लिए कानून बना उन्हें पता ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। आपको याद होगा ये तामिया में सबसे ज्यादा वन भूमि के पट्टे मिले हैं सन 2005 में। मेरा भी अचानक आना हुआ दादा, वोट बना के माध्यम से राजा ध्रुवे सर ने अचानक कॉल किया तो उनके साथ आ गया। दिल्ली गए थे, वहां पर हमने एक ज्ञापन दिया कि पूरे देश में आदिवासियों के आदिवासियों ने जंगल की जमीनें जोते हैं, नाकेदार परेशान करते हैं, मौजा लेते हैं, दुनिया भर के वो करते हैं, लेकिन पट्टे नहीं दे रहे। जब हम लोगों ने दिल्ली में एक आंदोलन किया सन 2005 में तो देश की सरकार ने 8 दिन के अंदर, क्योंकि दिल्ली में इतने सारे आदिवासी पहुंच गए थे कि एक छेड़ी भी खाली नहीं थी, जब इतने सारे लोग दिल्ली गए तो वन विधेयक अधिनियम लागू हुआ और आज पूरे देश में लाखों लोगों को पट्टे मिले और इस क्षेत्र में हजारों लोगों को वन भूमि के पट्टे मिले। लेकिन उसमें भी कुछ लोग रह गए। ऐसे पेशा कानून है, मुख्यमंत्री कह रहा है पेशा कानून लागू कर दिया। सुन लीजिए आप लोग, कान खोल के सुन लीजिए, अगर पेशा कानून लागू हो गया तो पट्टा ग्राम समिति देंगी, हमको नाकेदार की जरूरत नहीं, नाकेदार को गांव से भगा दीजिए, आप बिल्कुल मत घुसने दीजिए नाकेदार को। अगर ग्राम सभा में हम लोग आपसी में झगड़ा करते हैं और ग्राम सभा में अगर निर्णय हो जाता है तो पुलिस वाले की जरूरत नहीं है, एक वोट लगा दीजिए कोई पुलिस वाला गाँव में घुसे ना। ये पेशा कानून है। हमारे यहाँ अगर हम बैठ के एक अध्यक्ष बना लेते हैं तो चुनाव की जरूरत नहीं है। हम अगर किसी को पट्टा हमारे यहाँ कोई राजस्व भूमि ने अगर कब्जा कर लिया है या मकान बना लिया है या फॉरेस्ट की जगह है, हम अगर ग्राम सभा से अगर दे रहे निर्णय करके तो पटवारी की जरूरत नहीं है, उसका ऑफिस बंद कर देना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये पेशा कानून बोलता है, लेकिन जो सरकार ने कानून बनाया वो पता नहीं कौन सा कानून है। उस कानून का ड्राफ्ट हमारे तक आज तक नहीं आया, उस कानून का ड्राफ्ट को हम लोग जानते ही नहीं है, कोई भी नहीं जानता। पढ़ा लिखा